चलिए शुरू करते हैं राजधानी समाचार पर खबरों का सिलसिला। राजगढ़ जिले के स्टेडियम ग्राउंड में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हरिदीप सिंह डंग द्वारा ध्वजारोहण किया गया। श्री डंग द्वारा परेड की सलामी ली गई। राष्ट्रधुन के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। ध्वजारोहण के बाद मंत्री हरिदीप सिंह डंग द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। मुख्यमंत्री संदेश का वाचन इतनी देर तक चला कि परेड में खड़े एक चौकीदार को चक्कर आ गई, तो वहीं एक पुलिस कर्मी के पैरों में झंझनाहट होने से परेड से थोड़ी देर अलग हटना पड़ा। इस दौरान जिला पंचायत उद्यानिकी विभाग पीएचई विभाग सहित सभी विभागों की आकर्षक झांकियां निकाली गई। जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंत्री हरिदीप सिंह डंग सहित जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, सांसद रोडमल नागर, विधायक बापू सिंह तंवर, विधायक राज्यवर्धन सिंह तथा सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक मौजूद थे। राजगढ़ से शंभुदयाल टेलर की रिपोर्ट। हम आज परेड में 5 प्लाटून शामिल है, जिसमें जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल, जिला होमगार्ड, महिला जिला पुलिस बल और ये भाई और बहनों, भारतीय गणराज्य के महोत्सव गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को आज की बधाई एवं शुभकामनाएं। ये समय न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुत्वता एवं प्रतिबिंब भारतीय संविधान के लागू होने पर हर्षित होने का है। आपका श्रीलाल मालवी, क्या हो गया था अभी आपको? चक्कर आ गया था। कैसे आ गए थे? खड़े खड़े आ गए थे? खड़े खड़े चक्कर आ गए। कहाँ आए आप अभी? यहाँ स्टेडियम में। स्टेडियम में काय में भाग लिया आपने? 26 जनवरी परेड में। परेड में सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।